नमस्कार सांग मने आसंत आज मो पाखे सुनि नेबा एक शिक्षणीय कहानी कहानी जेर नाम हेउछि ईश्वरीय कृपा। तेबे चालंतु आ डेरी न करी कथाटी को आरंभ करि नेबा। बहुत वर्ष पूर्वरु सेठारे एक बटवृक्षटिए आकाश को मुंड टिकी ठिया होइथाय। सेठारे जणे पक्षी दंपति बसा बंधी रहिथांती। दिने स्त्री पक्षीटी खाद्य संग्रह उद्देश्य रे बाहर को चली जाए थे। हेले पुरुष पक्षी से ही बसारे बसी रही था। से जितेबले तल को अनैले सेतेबले से देखिले जो गोटे व्याधटिए मारिबा पई धरुतिर सजिल करुछि। से ही मुहूर्त स्थिर करि नैथिले जे से उपर को उड़ी जिवे। किंतु से उपर को अनांते देखिले जो गोटे छंजनाटिए गछर उपरी भागरे चक्कर काटुछि। से सेतेबले किंग कर्तव्य विमूढ़ भावे सेठे बसी रही। से दुई दिगर घोर विपत्ति रे घेरी हो जाकर मन है। से गछर डाल बसी रही। से मन को आसला ईश्वर कथा। से परम कारणिक ईश्वर कथा। से निर्मल मनरे प्रार्थना करने को बसी जाते। असाधारण भक्ति निजर अमोघ शक्ति देखाई। सांगे सांगे से वृक्ष बेलू एक सर्प बाहरी शिकारी को दंशन कर। शिकारी टी चंद्रन आह कही तले पड़ जाता एवं कि समय पर मृत्युवरण कर। शिकारी जो तीनोटी पक्षी आड़ को निक्षेप कर छंचाण देहरे फिटी जाता एवं छंचाणटी तीरबिद्ध हो छटपट हो कि समय भितर ही मरी जाता। एम कौन जानले आम जानले ना जे जदि आम निर्मल मनरे प्रभु को प्रार्थना करवा तेब से निश्चय आमर कथा शुणे। प्रभुंर यही कृपा जी न था पक्षीटी बची पारि था कि ना से बची पारि न था। कथाटी सारमर्म है निर्मल मनरे प्रार्थना कले ठाकुर आम कथा निश्चय शुणे। नमस्कार नमस्कार रहुची आउ एक वीडियो रे पुणी देखा हेबा। सेते पर्यंत मोर पुराना वीडियो गुडी को देखु थांदू।